Uh, जी असलम माई नेम इज़ जहिर फ्राम रीडर कॉलेज जोबाद लेक्चर फ़िज़िक्स और हम ए डी एस फिज़िक्स का आज फर्स्ट लेक्चर कंडक्ट करेंगे तो आज हम देखेंगे कि वाट आर इंटैगरल्स बेसिकली और इंटैग्रल्स की जो टाइप्स हैं उनको भी देखेंगे और उसमें कुछ हमारे पास टाइप्स हैं जिनके स्पेसिफिक यूजेज हैं इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स उनको भी हम डिस्कस करेंगे तो वट आर इंटेग्रल्स एंड वट आर इट्स टाइप्स तो बेसिकली हेयर वी विल डिस्कस थ्री टाइप्स ऑफ इंटेग्रल्स बेसिकली वी डिफाइन इंटेग्रल्स फॉर द वैक्टर फील्ड basically vector is a quantity uh, which uh, changes its value from point to point in a field then we call it as a vector field uh, to define it the integral to define the integral we let we have a vector field and we want to find out the value of line integral surface integral and volume integral

कि हमारे पास डिस्टेंस हमने लिया है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग और वाई एक्सिस के अलाग वो फंक्शन है जिसका हमें इंटीग्रल फाइंड करना है तो इसके लिए हम क्या कहते हैं कि ये जो स्पेसिफिक फंक्शन है और ये फंक्शन याद रखना है कि ये कॉन्टीन्यूस फंक्शन है और इस कॉन्टीन्यूस फंक्शन का लाइन इंटीग्रल हम कैसे फ़ाइंड करेंगे तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या कहते हैं कि ये फंक्शन जो है दो वैल्यूज़ के बिटवीन लाई कर रहा है जो कि कौन सी वैल्यूज़ हैं फर्स्ट हमारे पास ए पॉइंट है सेकेंड पॉइंट बी है और ये अलॉन्ग एक्स एक्सेस है तो हम इस फंक्शन की वैल्यू को फाइंड करेंगे फ्रॉम ए टू बी पहले हम इसको देखेंगे कि अगर हम इस डिस्टेंस को सेगमेंट्स की फॉर्म में डिवाइड करें तब हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी इस फंक्शन की इस इंटरवल के दरमियान और फिर हम लाइन इंटेग्रल की मदद से इजिली फाइंड uh, कर सकते हैं कि इस फंक्शन की क्या वैल्यू होगी सो वी से दैट बेसिकली लाइन इंटेग्रल इट इज द इंटेग्रल ऑफ सम फंक्शन अलॉन्ग कर्व ये कर्व क्या है बेसिकली ये जो पाथ बॉडी ने कवर करना है लेट एफ एक्स बी अ कॉन्टीन्यूअस फंक्शन रिमेंबर दिस दिस फंक्शन मस्ट बी कॉन्टीन्यूस फंक्शन ऑफ द एक्स ये डायग्राम आपको समझ आ गई और इसके बाद हम क्या कहते हैं कि अगर हम इस लाइन इंटीग्रल को डिफाइन करना चाहते हैं ये वाला जो लाइन इंटीग्रल आ रहा है इसको डिफाइन करना चाहते हैं तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि इस सारे पाथ को छोटे छोटे सेगमेंट्स में हम डिवाइड करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेते हैं एक छोटा सा सेगमेंट जो कि डेल्टा एक्स आई है हम कहते हैं कि इस फंक्शन की वैल्यू हम अगर इस पे फाइंड कर लें और फिर इसको समराइज कर दें तो ये इस फंक्शन की इस कॉन्टीन्यूस फंक्शन की सारे इंटरवल में वैल्यू है और इसको दूसरी तरह से हम कैसे फाइंड करेंगे अगर ए और बी के दरमियान इस फंक्शन की इंटीग्रेशन कर दें तो मैंने यही लिखा है कि डू डिफाइन द लाइन इंटेगरल ऑफ अ फंक्शन वीड वी डिवाइड द इंटरवल फ्रॉम ए टू बी इंटू समॉल सेगमेंट्स ऑफ लेंथ डेल्टा एक्स अप्रोचिंग जीरो मतलब ये जो हर सेगमेंट होगा इसकी वैल्यू क्या होगी हर सेगमेंट की वैल्यू अप्रोचिंग टू जीरो हर इंटरवल इस इंटरवल में हर सेगमेंट जीरो को अप्रोच कर रहा है और ये कितने हमने सेगमेंट्स लेने हैं इंफिनिटी का मतलब है बहुत ज्यादा इंफिनिटी यहां पे किस चीज को शो कर रहा है कि हमारे पास यहां पे जो सेगमेंट्स बनेंगे ये सेगमेंट्स क्या होंगे वेरी लार्ज नंबर तो हम कह सकते हैं कि लाइन इंटीग्रल ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स अलॉन्ग द पाथ ए बी इज बेसिकली इक्वल टू द समेशन ऑफ दिस फंक्शन फॉर अ सेगमेंट वेयर लिमिट एन फिनिटी एंड डेल्टा एक्स जो कि एक पैच है अप्रोचिंग टू जीरो हम इस सारी इक्वेशन को कहाँ पे यूज कर सकते बेसिकली अब हमारे पास जो लाइन इंटीग्रल की मेन इक्वेशन है वो ये वाली इक्वेशन है तो हम इस इक्वेशन को कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं असल में तो हम यही देख रहे हैं ना कि अगर हमारे पास इंटेगर आ रहे हैं और इंटेगर के हम रियल uh, लाइफ में या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिजिक्स uh, में कहां पे इसको यूज कर रहे हैं या वेक्टर फिजिक्स में हम इसको कहां पे यूज कर रहे हैं तो अगर हम इसके यूजेस को देखें तो हम कहते हैं कि अगर हमारे पास एक कंजर्वेटिव फील्ड है हमारे पास एक कंजर्वेटिव फील्ड है कंजर्वेटिव फील्ड ऐसा फील्ड होता है कि अगर हम पॉइंट ए से बी तक जाए और हम एक क्लोज लूप बना लें तो इस फील्ड में अगर क्लोज लूप के अक्रास टोटल वर्क डन जीरो तो ये कंजर्वेटिव फील्ड होगा तो हम कहते हैं कि एक कंजर्वेटिव फील्ड का लाइन इंटीग्रल जीरो होता है वेरी इंपॉर्टेंट यू हैव टू रिमेंबर बी कैन बी एम सी क्यूज यू आर सॉल्विंग योर पेपर के लाइन इंटीग्रल ऑफ अ कंजर्वेटिव फील्ड इज इक्वल टू रिमेंबर दिस दिस इज इक्वल टू जीरो इसका एक और मैंने एप्लीकेशन uh, लिखा है कि अगर आप uh, लाइन इंटीग्रल लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का तो वो इक्वल होता है पोटेंशियल के या आप ये भी कह सकते हैं एक और एप्लीकेशन है इट इज यूज टू कैलकुलेट द वर्क डन ऑन अ चार्ज पार्टिकल ट्रेवलिंग अलॉन्ग सम कर्व। अगर आपके पास एक कर्व है और कर्व के अक्रॉस कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो इस पार्टिकल का अगर हम वर्क डन फाइंड करना चाहते हैं तो इस फार्मूले से हम फाइंड uh, कर सकते फर्दर मोर एज वी नो दैट सर्फेस इंटेगर तो सर्फेस इंटेग्रल में क्या होता है बेसिकली अगर हमारे पास एक सर्फेस हो हमारे पास एक लार्ज uh, सरफेस है और फिर हम कहते हैं कि उसका कोई uh, छोटा सा सेगमेंट डेल एस आई है जिसका नॉर्मल वैक्टर डेल एस आई है तो सर्फेस इंटेग्रल का क्या मतलब होगा सर्फेस इंटेग्रल में बताएगा कि अगर हम इट इज द इंटेग्रेशन ऑफ आर सर्फेस इस सरफेस की पूरी सरफेस के अगर हम इंटीग्रेशन करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं जैसे मैंने बताया कि आप इस सरफेस को छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड करेंगे क्यों डिवाइड किया जैसे हमने यहाँ पे इस कर्व को छोटे छोटे इंटरवल्स में या सेगमेंट्स में डिवाइड किया था इसी तरीके से इस सरफेस को भी सेगमेंट में डिवाइड करेंगे और हर सेगमेंट का हम उस वेक्टर के साथ प्रोडक्ट लेंगे फिर उन हर हर सेगमेंट की हम जो है वो एडिशन करेंगे तो वो हमारे पास समिशन के इक्वल आता है आप जानते हैं कि अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा वैल्यू सम हो रही हो ऐड हो रही हो तो हम उसकी क्या ले सकते हैं समीशन ले सकते हैं तो हम कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन हो और उसका हम सरफेस इंटीग्रल फाइंड करना चाहते हैं तो वो बेसिकली किस चीज़ की इक्वल होता है लिमिट एन ये सेगमेंट इनफिनिटी मतलब बहुत ज़्यादा है और हर जो एक सेगमेंट होगा डेल एस डेल एस वन डेल एस आई अप्रोचिंग जीरो इसकी समेशन लें उस फंक्शन के साथ और मल्टीप्लाई करें उसको एक सेगमेंट के साथ तो ये हमारे पास बन जाएगा सरफेस इंटीग्रल इसी तरह लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव वॉल्यूम इंटीग्रल इसमें क्या होता है कि एक लार्ज वॉल्यूम है और इसका एक छोटा सेगमेंट हम लेते हैं तो अगर हम इसका वॉल्यूम इंटीग्रल फाइंड करना चाहते हैं तो ए नो फ्रॉम फार्मूला नंबर वन यू कैन से दैट फार्मूला नंबर वन फार्मूला नंबर टू एंड फार्मूला नंबर थ्री तो हम जानते हैं कि फार्मूला नंबर वन फार्मूला नंबर टू से हम कैसे फाइंड करते आ रहे हैं कि अगर कर्व और हम क्या करेंगे लाइन इंटाग्र अगर सरफेस होगी तो सरफेस इंटागलर इसका ये फार्मूला है सिंपली चीज़ों को आपने एलेबोरेट करना इसी तरह अगर हमारे पास वॉल्यूम है तो वॉल्यूम इंटाग्रर कैसे फाइंड करते हैं कि एक छोटा सेगमेंट लें उसके लिए वैल्यू को फाइंड करें और इसको आप जनरलाइज करें कि अगर मेरे पास यहाँ पे ये वॉल्यूम्स कितने हैं एन नंबर ऑफ़ वॉल्यूम्स होंगे तो आप हर के लिए अलग अलग इसका इसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे सबको सम करेंगे तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ ये ये सारी चीज क्या है बेसिकली कि अगर हम लिमिट लें कि जिसमें एन अप्रोचिंग इंफिनिटी वेरी लार्ज नंबर ऑफ वॉल्यूम्स और एक वॉल्यूम जो है उसका साइज वो संभाल लेना है कि हमारे पास वैल्यू प्री साइज आए तो हम कैसे फाइन कर सकते हैं हम समीशन लेंगे एक कंपोनेंट की एक सेगमेंट की इफेक्टिव वैल्यू मल्टीप्लाई विद दैट सेगमेंट तो वो इक्वल होगी हमारे पास वॉल्यूम इन के तो ये जो सारी चीज हमने की है इसका हम यूज देखेंगे थ्योरम थ्योरम इज वेरी इन आवर फिजिक्स अगर हम इसको एक मिनट में रिवाइंड करना चाहें तो हम कैसे रिवाइंड करेंगे इंटैगर उसकी टाइप्स हम बताएंगे कि तीन टाइप्स होती हैं इंटाग्रल्स फाइंड क्यों करते हैं वैक्टर्स में तो हम कहते हैं कि अगर मेरे पास कोई वैक्टर फील्ड हो तो उसके इंटेग्रल्स हमने फाइंड करने हैं फर्स्ट ऑफ ऑल है लाइन इंटेगर इसको मैंने थोड़ा ब्रीफ करके लिखा बाकी को शार्ट किया आप बाकी दोनों को इसी पैटर्न पे एक्सप्लेन कर सकते हैं थोड़ा लेंथी करके भी तो फर्स्ट को आपने थोड़ा बहुत देख लेना है कि मैंने कैसे किया है बाकी दोनों को आप इसके रेलिवेंट एक्सप्लेन कर सकते हैं तो आपने सारी ये एक्सप्लेशन देनी है ये डायाग्राम वेरी इंपॉर्टेंट है इस बारे में अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं मज़ीद आपने इसके यूज़ याद रखने हैं ये डायाग्राम्स और ये इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं और होपफुली आपको समझ आ गई होगी हम इन सारी चीज़ों को आगे भी लेकर चलेंगे अल्लाह हाफिज़